वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है। मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से ही लग रहा है मेगा स्पोर, मेगास्पोर, जेनेसिस मींस सिंथेसिस, बनना, मेगास्पोर का बनना। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट एकदम से दिमाग में ये चीज आती है कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ जैसे होता है। क्लियर? अगर आपने पिछला जो टॉपिक था वो देखा होगा, जब हमने मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी और उसमें मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे एम्ब्रियो सैक के बाहर के जो सेल्स थे, मास ऑफ सेल्स, देवर नेम्ड एज न्यूसेलस। बस हम वहां से शुरू करेंगे, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, ऐसे ये ऐसे हमने मार्क किया था इस तरह से, दीज वर सेल्स ऑफ न्यूसेलस, हमने वहां पे मेंशन किया था, आपको यहां भी बता देता हूं। न्यूसेलस द मास ऑफ सेल्स, हमने ये बात डिस्कस की थी, दीज सेल्स कंटेन द न्यूट्रिटिव मटेरियल, दीज सेल्स कंटेन द न्यूट्रिटिव मटेरियल विच प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब हम बात कर रहे हैं यही न्यूसेलस सेल्स की। यहां पे मैंने कुछ न्यूसेलस की सेल्स ले रखी हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अमंग दीज सेल्स वन ऑफ द सेल, अमंग दीज सेल्स एनी सेल दैट विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ओके, इन न्यूसेलस सेल्स में से कोई भी सेल, एक सेल दैट विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, दैट सेल मे बी नेम्ड एज आर्किस्पोरियल सेल, उसको हम इस नाम से भी बुला सकते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। ओके, मेगास्पोर मदर सेल। नाउ व्हाट हैपेंस, वन सेल विच इज एक्टिंग एज ए मेगास्पोर मदर सेल, इट विल गो फॉर डिविजन्स, दिस इज हियर द मेगास्पोर मदर सेल। ये एक सेल हमने ले ली यहां पे, मेगास्पोर मदर सेल हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एक अच्छा सा यहां पे न्यूक्लियस इसमें हमने दिखा रखा, एंड विद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड अदर न्यूसेलस सेल्स वो इसको सराउंड कर रहे हैं। नाउ दिस एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल, व्हाट इट डू, इट गो फॉर डिवीजन, विच टाइप ऑफ डिवीजन, इट गो फॉर मियोटिक डिवीजन, इट गो फॉर मियोटिक डिवीजन, इट गो फॉर मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म टू सेल्स। ओके, इट फॉर्म्स टू सेल्स इफ द क्रोमोसोम नंबर इज 2n, इट रिमेन्स विद सिंगल n, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, एंड इट फॉर्म्स टू सेल्स, हियर देयर इज अ डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, ये सेल डिवाइड कर रहा है, एंड डिवाइड करने के बाद ये दिखाई दे रहा है हमें, एक देयर इज अ स्मॉल सेल एंड वन सेल इज लार्ज सेल, there is a formation of two cells after first division of meiosis, meiosis ki, meiosis is going through two divisions, meiosis 1 and meiosis 2, to meiosis 1 mein jab ye divide karta hai, reduction division hoti hai, is in two cell stage ko kya bolte hain, megaspore died, kya bolte hain isko, megaspore died bolte hain isko, yahan tak pata lag raha hai aapko, which are surrounded by the all new cellular cells, these cells are providing the nourishment for the development as well as the divisions, wo jo ye cell division ke liye ja raha hai megaspore mother cell,
that nourishment is provided by the surrounding new cellular cells. Okay, now these both the cells, ye dono ke cells, dono cells ab further division ke liye jayenge aise, then they will form four cell stage like this, and all have single end chromosome number like this, which is known as tetrad. अगर इसकी हम बात करें तो दिस इज नोन एज डायड, मतलब टू सेल स्टेज. टेट्रड मींस फोर सेल स्टेज. ये जो दो सेल्स थे मेगास्पोर डायड था, दे विल गो फॉर डिविजन एंड फॉर्म द फोर सेल स्टेज. दिस इज नोन एज मेगास्पोर टेट्रड. क्लियर होगी बात. दिस इज नोन एज मेगास्पोर टेट्रड. यहां तक हो गया. After the formation of this tetrad, among these four cells, three cells degenerated slightly, start to degenerate, and one cell is only developing into functional megaspore. अगर हम ये बात करें इस तरह से, बाकी के जो cells हैं ये, these are the cells of these are the cells of new cellular cells and this is functional megaspore. And what happens with the three cells? Three cells start to degenerate. Ultimately all the three cells degenerated and one cell is remained as a functional megaspore. Yahan tak pata lag gaya aapko? This is known as मेगास्पोर. अब इस मेगास्पोर से फर्दर डेवलपमेंट होगी. नाउ वील सी द फर्दर डेवलपमेंट. दैट डेवलपमेंट इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब हम बात करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. एंड इफ दिस मेगास्पोर कैरी द डेवलपमेंट, नाउ दिस वन मेगास्पोर functional megaspore will go for the development. What happens? They start to take the development of this female gametophyte. This can be named as monosporic. इसको क्या बोल देते हैं? Monosporic development बोल देते हैं. Okay, because it is developing from one megaspore. एंड अदर थ्री गेट्स डिजेनरेटेड. वो डिजेनरेट हो जाते हैं, यहां पे ही मर्ज कर जाते हैं. अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को हमने यहां पे ले लिया, ये हमारे पास आ गया फंक्शनल मेगास्पोर. व्हाट हैपेंस? द न्यूक्लियस इनसाइड दिस फंक्शनल मेगास्पोर that will go for division. Now it will go for, यहां पर अगर आपको ये बताऊं मैं, ये है, it will go for division that is known as mitotic division. And it forms two nuclei. And both the nuclei are moving towards the ऑपोजिट पोल्स. और ये पोल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द टू साइड्स या टू पोल्स. वन इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर साइड एंड ऑपोजिट जो है वो चलाजल एंड ये चलाजल पोल ये, एंड दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर साइड. Functional megaspore will go for first division. First division is mitotic division and nuclei are dividing and both the nuclei are moving towards the opposite poles. Dono opposite pole ko move kar jati hai. First division, this is first mitotic division. Then it will go for second mitotic division.
Okay. Now second mitotic divisions go with these two nuclei. Here one will divide and forms the two nuclei. Towards the one end, chalazal end, and towards the micropylar end, this will go for division and forms the two nuclei. Clear hogi baat? And then the same process is running with third successive mitotic division. Third mitotic division is running with the same. दो से अब चार nuclei बन गई, four nuclei towards the one end, that is chalazal end, and one that is towards the which end? Micropylar end. These again are now formed as four nuclei. Now the total eight nuclei are formed. एक चीज का आपने यहां पर ध्यान रखना है, जब भी हम ये बात कर रहे हैं, दीज आर फ्री न्यूक्लियर divisions. सिर्फ यहां पे न्यूक्लियर डिवाइड कर रही हैं, दे आर नॉट लैडिंग विद दीज देयर सेल वॉल्स. अभी तक यहां पे कोई भी सेल वॉल नहीं बनी है, तो दे हैव नॉट एक्वायर्ड एनी शेप ऑफ द सेल. यहां तक फ्री न्यूक्लियर है. ये दो न्यूक्लियर बनी थी पहली, उसके बाद चार न्यूक्लियर बनी, उसके बाद बोथ द एंड्स पे, दोनों ही साइड्स पे चार चार न्यूक्लियर, टोटल आठ न्यूक्लियर बन गई. क्लियर? नाउ द टू न्यूक्लियस दे आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम बोथ द साइड्स. ये न्यूक्लियर यहां पे आ गई एंड दिस न्यूक्लियर इज मूविंग टुवर्ड द सेंटर. अगर हम बात करें तो ये हम इसको ऐसे डिलीट कर देंगे. क्लियर? ये यहां मूव कर गई और ये यहां पे मूव कर गई. तो थ्री न्यूक्लियर आर टुवर्ड दिस साइड एंड थ्री न्यूक्लियर आर टुवर्ड्स दिस साइड. मीन्स थ्री आर टुवर्ड द चलाजल एंड and three nuclei are towards the micropylar end. What happens now? Now they will be let down with the cell wall formation. Ab cell wall formation yahan pe shuru ho jayega. These three nuclei, agar hum yahan pe baat kare, they will acquire now with the walls and they will acquire the shapes. Agar ye wali side hum yahan pe abhi micropylar side le lete, because the egg apparatus जिस तरफ को बनता है वो माइक्रोपाइलर वाली साइड है. माइक्रोपाइलर एंड या पोल. हियर द वन सेल इज नोन एज एग एंड टू अदर सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड्स. दीज आर थ्री सेल्स, दे आर लाइंग टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड एंड थ्री आर टुवर्ड दिस साइड. दे विल एक्वायर द शेप्स like 1, 2, 3. ये जो थ्री सेल्स यहां पे शेप एक्वायर कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द व्हाट? एंटीपोडल सेल्स. इनको क्या बोल देते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोल देते हैं. दे आर लाइंग टुवर्ड द चलाजल एंड. दिस इज नोन एज चलाजल एंड. And the two nuclei which are moving towards, already moved towards the center, they are named as polar nuclei. इनको क्या बोलते थे? Polar nuclei. Clear? Now we'll see the complete formation of how many cells. कितने cells अब यहाँ पे form होते हैं ये हम देखेंगे in our next diagram. Again we have make these cells. These are, this is a complete development of embryo sac as well as this is also known as female gametophyte. Here this is known as micropylar end, and this is known as chalazal end. Towards the micropylar end, there are three cells, two synergids, one egg cell, and
towards the synergids, they have formed some finger-like projections. These are known as filiform apparatus. Filiform apparatus. There are some finger-like projections. They are arised from these synergids. Synergids से ये finger की तरह ऐसे projections बन develop होते हैं. इनको बोलते हैं filiform apparatus. और what they do? They actually help to penetrate or direct the pollen tube inside towards the egg. Egg वाली side को ये जो pollen tube यहाँ से enter होती है to from the micropylar end. ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है. इस तरफ से जब पोलन ट्यूब की एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दीज फिलीफॉर्म एपरेटस डायरेक्ट, ये डायरेक्ट करती है उसको, वे देती है टुवर्ड्स द एग, क्लियर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए. वो इसका नेक्स्ट स्टेप है. अभी दीज आर थ्री सेल्स एंड द ऑपोजिट एंड चलाजन एंड, दे आर थ्री सेल्स, 1, 2, 3. These are three cells. They are known as antipodal cells. Antipodal cells. 1, 2, 3. And the pollen nuclei, which are lying at the center. Now they are acquiring this cell. This is known as the large cell, which contain the cytoplasm and some vacuoles also. And this is known as central cell. This is known as central cell. अब यहां पे हम ये देख सकते हैं कि कितने cells यहां पे total बन रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is complete seventh cell. Seventh cell. This is known as seven-celled embryo. Sac या female gametophyte. And how many nuclei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 with 8 nucleated. आठ nuclei के साथ ये complete female gametophyte develop हो गया है. This is known as embryo sac. How the embryo sac is developed, how the female gametophyte is developed, आपको I hope के यहां तक clear पता लग गया होगा. New cells से हम चले थे. New cells के cells में से ही एक cell ने MMC act किया, megaspore mother cell act किया. They go for division. वहां पे division meiosis होती है, meiosis 1, फिर meiosis 2. एक से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, रिडक्शन और डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, उसके बाद सेकंड डिवीजन होती है, मींस मियोटिक 2 होती है. दे फॉर्म 4 सेल्स, 2 सेल स्टेज को डायड बोलते हैं, 4 सेल स्टेज को मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं. इनमें से 3 सेल जो है वो दे गो डीजनरेटेड, 1 सेल रिमेन फंक्शनल, दैट इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर. इफ द एम्ब्रियो सैक एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट इज डेवलपिंग फ्रॉम द one megaspore, that it can be named as monosporic development. Then हमने ये देखा कि जो functional megaspore था ये अब division के लिए जाता है. यहाँ पे जो divisions होती है mitotic divisions होती है, mitotic 1, mitotic 2, mitotic 3, successively ये divisions होती है. And these are free nuclear divisions and cell wall formation इसमें later होता है. हमने देखा कि दो पहले डिविजन के बाद दोनों न्यूक्लियाई जो है दे आर मूविंग टुवर्ड द बोथ द एंड्स, और उसके बाद सेकंड माइटोटिक डिविजन में दो दो न्यूक्लियाई बनी, उसके थर्ड डिविजन में फोर फोर न्यूक्लियाई बनी. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि दोनों न्यूक्लियाई जो है दे आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर, मींस पोल से आई, तो दे वर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. देन द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, दे विल एक्वायर द सेल्स, द एग एपरेटस एज वेल एज और एग और सिनर्जिड्स, दे वर नेम्ड and they were formed towards the micropylar end, and antipodal cells formation occurs towards the chalazal end. Then we will see the complete development of embryo sac as well as female gametophyte, which is 7 celled stage here and with 8 nucleated stage. I hope that you understand it better. Thank you. Iske saath hum next topic dekhte hain abhi, pollination.